सभी भाइयों का फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में भाई। और अभी मैं रुका हुआ हूँ भोवाली में, होटल है विस्टा, लेकिन ये क्या सिटी के बीच में है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन है, धुआं बहुत है, डीजल गाड़ियों का हाइट है, इसलिए गाड़ी को चढ़ाई के वक्त जान लगानी पड़ती है, उससे धुआं बहुत निकलता है। पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि बीच सिटी में होने की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब डीजल की स्मेल होटल तक आती है। होटल का रिव्यूज़ जब यहाँ से चेकआउट करूँगा उस टाइम मैं बताऊँगा, कि क्योंकि खाने की क्वालिटी भी कोई बहुत खास अच्छी नहीं लगी। फ़िलहाल आज हम जाएंगे पदमपुरी जाऊँगा, भीमताल जाऊँगा, और जिस काम से आया हुआ हूँ वो काम देखते आज कितना हो पाता है। राणा शाह जाएगा मॉल रोड पर घूमने बच्चों को लेके, और मैं अपने काम से निकलता हूँ। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, जो भी शेड्यूल होता है देखते हैं किधर जाना होता है। भाई होटल से निकल गए हैं, और अभी निकलते ही ये भवाली की भीड़, जाम लगा हुआ है ज़बरदस्त। ये भी देखो हमारा मैप्स भी दिखा रहा है लालपुरा, और सामने गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। यहाँ पर अगर पुलिस मैनेज ना करे तो भाई साहब निकलना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये भाई एक लैंड है, ये रोड और ये लैंड है, नीचे पूरी खेती हो रखी है। फूल गोभी दिखाई दे रही है, दिचाऊ कला की याद आ गई मीनू। हाँ, ये सब गोभी रोल वो ये जंगल में देखो भाई, पक्षियों की आवाज आ रही है पेड़ों में से। डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट आ रही है कैमरे में आवाज। क्या शानदार नजारा है, और सर्द हवाएं, मतलब ठंडी हवा, ऐसा नहीं कि बर्फीली हवाएं, बट ठंडी हवा, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया नजारा है बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत ही सुंदर जगह है ये भाई। मुक्तेश्वर जाने के रास्ते में एक हमारे को वाटरफॉल मिला है, मतलब जाएंगे नहीं हम लोग ऊपर, क्योंकि पानी गिरता हुआ इस टाइम है नहीं, बरसाती वाटरफॉल होगा, गिरा हुआ पानी, इकट्ठा हुआ पानी बता रहे हैं जो लोग ऊपर से होकर आए हैं, तो इतनी दूर जाने का कोई सेंस लगता नहीं है। अच्छा, कुछ टिकट भी है, 50 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट है। ये रास्ता जा रहा है भाई, हाँ ये गोभी के खेत दूर से नज़र आ रहे थे ना भाई, ये देखो हम नज़दीक आ गए उनके, ये खेती हो रखी है। सीढ़ी नुमा खेत जो हमने पढ़े थे स्कूल में किताबों में ना, वो सीढ़ी नुमा खेत है ये भाई आप कैमरे में देख रहे हो भाई, मुक्तेश्वर मंदिर के बाहर हैं। और ये जो चिप्स के पैकेट, पानी की बॉटल, फ्रूटी के रैपर्स है ना, ये कचरा हम आके पहाड़ों पर डाल के जा रहे हैं भाई। अब इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये तो हमारे को खुद ही इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे समझाएंगे लोगों को, नहीं समझा सकते। ये देखो आप, ये हम पहाड़ों की जो सुंदरता है, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई जो लोग इस व्लॉग को देख रहे हों और उसमें से कुछ लोग अपने आप को बदलना चाहें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहाड़ों पर आएँ प्लीज़ अपने कचरे को अपने साथ ही वापस लेकर जाएँ। तो भाई हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर मंदिर में, ये है 5350 साल पुराना, प्राचीन मूल ग्रंथों में मुक्तेश्वर के रूप में उल्लेखित किया गया है। चलो पढ़ लेना भाई लोग आराम से, और कहाँ रह गए मीनू, चलें। ये भाई मंदिर की एंट्री है, और 250 मीटर की चढ़ाई है मेरे ख्याल से, देखते हैं भाई, दिखाई तो यहीं से ही दे रहा है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं भाई मंदिर जाने के लिए, ज़्यादा दूर तो लग नहीं रहा, कर थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, जिनको आदत नहीं है हल्का सांस फूलेगा भाई। बस आने ही वाला है। ये भाई डस्टबिन रखा है, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने ग्लास यहाँ फेंक रखा है। ये हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये भी समझ नहीं आता कि जो क्लास है वो यहाँ डस्टबिन में डाले जा सकते थे। कोई इलाज नहीं भाई ऐसे लोगों का। अब थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई आ रही है,
भाई मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और किसी की आस्था को चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, बट आप ये हाल देखो, पेड़ों पे चुनरी बांध रखी है, प्रसाद फैला रखा है और कचरा, ये देखो ये कचरा फैला रखा है। अब इसको आस्था कहें या अंधविश्वास, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम लंच में खा रहे हैं भाई पहाड़ी थाली, ये है पहाड़ी रायता, ये आलू और ये भटके चटकानी है, रेड राइस, ये रेड राइस और रागी रोटी, रागी की रोटी। अच्छा पहाड़ी चॉकलेट, ये वो बाल मिठाई वाला जो, हाँ पहाड़ी चॉकलेट जो होते हैं, ये सूप है, बहुत ही बढ़िया। भाई मेरा सजेशन तो ये रहता है, जहाँ जाओ वहाँ का लोकल फूड खाना चाहिए, बाकी जो अपन नॉर्मल खाना खाते हैं तो हमेशा घर पे भी खाते हैं ना, तो इसलिए लोकल फूड हमेशा एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ भाई हमने लंच किया है, ये मुक्तेश्वर से जब नीचे उतरते हैं ना वहाँ पर एक वो है, क्या बोलते हैं, निर्वाणा, ये निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन, खाना अच्छा है, लोकल फूड, मतलब हमने तो लोकल थाली खाई है, बढ़िया शानदार थी, रीज़नेबल रेट और अच्छा एम्बियंस था, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर कोई लोकल फूड खाता है और उसका टेस्ट है तो यहाँ पे खा सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अब हम निकल रहे हैं मुक्तेश्वर से नीचे, मिलेंगे एक भाई साहब, उनसे मिलते हैं, फिर रामगढ़ में ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी प्रॉपर्टी, मतलब रुकने के लिए। ये एक रोड है, रोड से ये लैंड है भाई, ये लैंड का व्यू है। अभी आज जो भी देखा है उसमें से डिसाइड करेंगे, फिर जो भी नेगोशिएशन करना है वो उसके बाद देखेंगे। टैक्सी में गए थे, ये हमारे साथी आ गए हैं, गाड़ी लेके गए नहीं थे भाई, गाड़ी क्यों नहीं लेकर गए, ट्रैफिक में फंसा नहीं जाते, इसीलिए इनकी जो टैक्सी थी उस वो तो ट्रैफिक में से निकलती नहीं थी, सीधी एरियल टैक्सी थी हवाई हवाले, कहाँ पे यानी खत्म पूरे उसमें। अच्छा हाँ जी पूजा, थके नहीं थके, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत थक गए, बहुत थक गए, चांदनी चौक जैसा फीलिंग कर रहे हैं। तो भाई पूरा दिन भर घूम के काम करके जो जो काम थे आज के वो करके आ गए हैं रूम, मतलब होटल में वापस आ गए, रूम पे तो अभी नहीं पहुंचे, चिंटू के पास चाबी है, अभी चिंटू आएगा तो रूम की चाबी मिलेगी। ये आ गया चिंटू बर्फ लेके, है ना चिंटू, ले आया बर्फ, दिखाओ दिखाओ कहाँ है बर्फ, कोई बर्फ नहीं है, खाने का सामान लाया। तो भाई मैं गाड़ी से जितना घूम सकता था ना मैंने सब घूम लिया था,